अस्सलाम खवातीनों हज़रात, आज मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ 2007 मॉडल सुजुकी स्टिंगरे का बैकलाइट डिज़ाइन। आप देखते हैं वही वैगन आर वाली स्टाइल की है और इसका नाम है बेसिकली सुजुकी स्टिंगरे वैगन आर। सो दिस इज़ द की। अलॉय व्हील्स गाड़ी के अंदर इंस्टॉल्ड है, ग्राउंड क्लीयरेंस ठीक है, डनलॉप के टायर इसके अंदर इंस्टॉल्ड है, ग्राउंड क्लीयरेंस गाड़ी की ठीक है, बॉडी कलर इसके साइड हैंडल्स हैं, बैक पर आपको ब्रेक लाइट विद स्पॉयलर एंड द एरियल, आपको साइड पर आपको बॉडी कलर डोर मिरर्स जिसके पर टर्न सिग्नल मिलेंगे। फ्रंट से मैं आपको इसका डिज़ाइन दिखा देता हूँ। दिस इज़ सुजुकी स्टिंगरे 2007 मॉडल। इसका रिव्यू दे रहा हूँ, इसको एंड तक देखिएगा। फ्रंट पर आप प्रोजेक्शन हेडलैम्प्स हैं, बेसिक हेडलाइट्स हैं साथ, और काफ़ी फैंसी डिज़ाइन है। आप देख सकते हैं आपको एम्बलम, देन देयर इज़ फॉग लैम्प्स। थोड़ा साइड से आपको ओवरव्यू देता चलूँ गाड़ी का। बॉक्स टाइप गाड़ी है बिल्कुल। स्टिंगरे का मैं ट्रंक ओपन कर रहा हूँ 2007 जापानीज मॉडल का, और हम इसकी स्पेस चेक कर लेते हैं। सबसे पहला जो आप चीज़ देखेंगे वो ये है कि इसके बैक सीट्स के दरमियान 50-50 का स्प्लिट है, जिनको आप आगे पीछे कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। दैट्स रियली कूल थिंग। स्पेस डिसेंट है, ज़्यादा कम भी नहीं है, लेकिन ठीक है, आप थोड़ी बहुत स्टोरेज इसमें भी कर सकते हैं। देन अगर मैं ये उठाऊँ मैट, और नीचे आप देखेंगे स्पेयर टायर एंड टूल जो है गाड़ी में मौजूद हैं। थोड़ा सा बैक से आपको मैं लुक देता चलूँ ट्रंक का, तो ट्रंक स्पेस जो है वो काफ़ी इंप्रेसिव। बैक सीट स्पेस मैं अभी चेक करने लगा हूँ इसकी, इसको डोर को लॉक करते हैं। ओके, सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स जापानीज कार की है कि इसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। प्लास्टिक आपको चीप महसूस नहीं होता, बहुत अच्छा प्लास्टिक लगा हुआ है। दरमियान में आपको फैब्रिक मटेरियल, क्रोम का डोर ओपनर मिलेगा आपको, और पावर विंडो, स्पीकर हैं आपके पास, कप होल्डर, वाटर बॉटल होल्डर मौजूद है। नाउ इस सीट के ऊपर जो है बेसिकली कवर चढ़ा हुआ है, सोफ़ा सीट है। ये आप देखेंगे बेसिक आर्म रेस्ट है एक बंदे के लिए। रियर फ्लोर फ्लैट है, जिसकी वजह से जो दरमियान में बंदा बैठेगा वो कंफर्टेबल रहेगा लॉन्ग जर्नीज के लिए। बहरहाल एडजस्टेबल हेडरेस्ट मौजूद हैं, पीछे आपके पास केबल लाइट मौजूद है, हेड स्पेस काफ़ी अच्छी गाड़ी में, और पीछे रियर फ्लोर फ्लैट होने की वजह से जो बंदा पीछे बैठेगा वो आराम से लॉन्ग जर्नीज के लिए कंफर्टेबल रहेगा। अंदर सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि इसके अंदर भी आपको 3-स्कोप स्टीयरिंग व्हील मिलेगा, जहाँ पर आपको एस्टर सेरेबैग स्टीयरिंग व्हील पर 1 एट द डैश मिलेगा। जैसे एन ओल्ड मॉडल तो कंडीशन आपको इतनी खास इसकी नज़र नहीं आ रही होगी, बाकी फोल्डेबल मिरर्स हैं जो हम चेक करते हैं, एक एयर वेंट राइट पर है, एक लेफ्ट पर है, दो दरमियान में इंटरटेनमेंट सिस्टम में आपको LCD मिलेगी, हैज़र्ड्स, और नीचे आपका फैन कंट्रोल है, कप होल्डर 1, कप होल्डर 2, ग्लव बॉक्स, आपके पास ये चार्जिंग डॉक, गियर लीवर इसका ये है बेसिकली, और गियर लीवर आप बेसिकली यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं, इंडिकेटर्स इसके राइट पर ही हैं। ड्राइवर साइड पर आपको वैनिटी मिरर मिल जाएगा, सनग्लासेस होल्डर, लाइट, लेफ्ट साइड पर कोई वैनिटी मिरर मौजूद नहीं है। इंजन साइड पर मैं आ चुका हूँ, इसके अंदर आपको 660 सीसी का इंजन मिलेगा, जो कि आपको 18-19 किलोमीटर तक की एवरेज प्रोवाइड करता है। ये जिसकी बैटरी इंस्टॉल्ड, अगर हम देखें इसी साइज़ में 660 सीसी के अंदर आपको एक कॉम्पैक्ट गाड़ी मिलती है सुजुकी स्टिंगरे, और आप देखें अलॉय व्हील्स, फॉग लाइट्स, एसएस एयरबैग्स, काफ़ी अच्छी कॉम्पैक्ट कार है। सो 660 सीसी का इंजन इसके अंदर मौजूद है जापानी। मैं बता रहा हूँ, कुछ हमारे भाइयों के बाद नहीं पता, मेरे से उन्होंने पूछा था। एक बात तो हम सबको पता है कि जब पार्किंग आप इंगेज कर देते हैं तो गाड़ी आपके पार्किंग में होती है, गाड़ी अपनी जगह से हिलती नहीं। लेकिन एक भाई ने पूछा था, गाड़ी की जो ऑटोमेटिक गाड़ियाँ या जो सात सीढ़ी गाड़ियाँ आप जिनका रिव्यू कर रहे हैं, इनमें पार्किंग ब्रेक कहाँ होती है? ये नीचे देखिएगा थोड़ा सा, मैं अगर आपको जूम करके दिखाऊँ, ये लिखा हुआ है पुश ऑन एंड पुश ऑफ, अभी ये इंगेज पोजिशन में, वो एक मिनट, इसको अगर मैं दबाता हूँ तो ये वापस अपनी पोजिशन में आ जाएगी। इसका मतलब है कि हैंड ब्रेक इसकी जो है हट चुकी है, और जब मैं इसको फुली पीछे की तरफ दबाता हूँ इसका मतलब है जो हैंड ब्रेक वो लग चुकी है। बाकी गियर लीवर इसका यहीं पर है, जिससे आप मैनुअल अपनी तरफ करके, अभी हम आपको चेक कराता हूँ। हैंड ब्रेक जो है बेसिकली ये होती है पुश, फुट ब्रेक इसको कहते हैं हम, ये डिसएंगेज, इंगेज। ठीक है, मैं अभी स्टार्ट करने लगा हूँ, इसके अंदर आपको पुश स्टार्ट नहीं बता, यहाँ से आप चाबी इंसर्ट करके जो है इसमें प्रेस करके इसको टेबल सिस्टम इसको ऑन हो जाए। डिजिटल आपको स्पीडोमीटर मिलता है इसके अंदर, जैसे रियली कूल थिंग कि आपको एनालॉग स्पीडोमीटर नहीं मिलता। और अभी जो है मैंने डिसएंगेज कर दिया, नाउ इट्स एंगेज्ड। सबसे पहले आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की तरफ से आपको बताता हूँ, ये आपको फ्यूल इंडिकेट कर रहा है, आपको माइलेज बता रहा है, ये आपका ट्रिप ए आ गया, ये आपका ट्रिप बी आ गया,
ये आपको बता रहा है, ये आपको इंडिकेट कर रहा है गेयर्स, ये आपका आरपीएम मीटर, ठीक हो गया। ये पावर स्टीयरिंग है, हम ड्राइवर साइड वाली विंडो ओपन कर लेते हैं। इसके अंदर फोल्डेबल मिरर्स, ये आपके मिरर्स खुल चुके हैं। आप इसको राइट की तरफ टर्न करके हिला सकते हैं, इसको आगे पीछे अपनी तरफ कर सकते हैं आप। फॉग लाइट ऑप्शन भी मौजूद है, ठीक हो गया। और इंफोटेनमेंट सिस्टम की तरफ मैं आ जाता हूँ। सबसे पहले बेसिक इंफोटेनमेंट सिस्टम है जिसको आप सेट कर सकते हैं। वेल इट्स नॉट दैट रिस्पॉन्सिव, इतना ख़ास वो इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम नहीं लगेगा आपको, क्योंकि ये आफ्टर मार्केट लग रहा है मुझे। बाकी इसके अंदर बेसिक फंक्शन है, एम एफ एम ट्यून कर सकते हैं, टाइम बता रहा है आपको। सो इट इज़ नॉट दैट रिस्पॉन्सिव। अभी हम बात कर लेते हैं फ़ैन की। फ़ैन के लिए स्नैप को करेंगे, फुल के लिए अभी ऑटोमेटिक पर चल रहा है और फुल ऑन हो चुका है। अभी मैं इसका एसी ऑन कर देता हूँ गाड़ी का, और उस पर मैं आपको बताता हूँ। टेम्परेचर डायलर बेसिकली ये है, ये आप देखेंगे 19, 18, और ये टेम्परेचर आप यहाँ से बेसिकली सेट कर सकते हैं। ऑटोमेटिक भी कर सकते हैं, दिस इज़ मोड डायलर, डिफ्रॉस्ट और टेम्परेचर को सेट कर सकते हैं आप। बाकी कप होल्डर्स मैंने आपको दिखा दी। कूलिंग ठीक है, ज़्यादा ख़ास नहीं है, लेकिन रिस्पॉन्सिव है। कूलिंग अच्छा थ्रो मुझे ये प्रोवाइड कर रही है। अब इसको हम बंद कर देते हैं। ऑटोमेटिक भी आप इसको सेट कर सकते हैं, तो फुल जो है सेटिंग अपनी तौर पे सेट करेगा। अभी हम बिल्कुल इसको बंद कर देते हैं। अगर आप इसको इस तरह करके नीचे की तरफ लाएंगे तो ये रिवर्स मोड में चली जाएगी, और इसके अंदर बैक व्यू कैमरा इंस्टॉल है जिससे आपको लाइव व्यू मिल रहा है। इसको हम नीचे लाएंगे, ये न्यूट्रल मोड में, ये ड्राइव टू में, ड्राइव मोड में, ये रिवर्स मोड में आ गई। फिर यू कैन सी कि आपको इसके अंदर आपको कैमरा मिल रहा है। देन हम इसको पार्किंग मोड पर ले आते हैं वापस। अब मैं आपको इसका थ्रॉटल रिस्पॉन्स चेक करवा देता हूँ। आवाज़ सुन लीजिएगा इसकी, तो ये है प्रीटी मैच्योर्ड 2007 मॉडल सुजुकी स्टिंगरे से। अगर आप भी गाड़ी लेना चाहते हैं तो आप यहाँ आ सकते हैं, सजाद मोटर्स जीनियर मार्केट इस्लामाबाद, नहीं तो आप इसे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे जो कि डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसकी आपको प्राइस जो है डिस्क्रिप्शन में मैं लिख के दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में इसकी प्राइस मेंशन है। फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, जिसके ऊपर आपको इसकी डिटेल पिक्चर गाड़ी के मैं अंदर बाहर से दूंगा। इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, इसका नाम है ऑटो ब्लॉगर अली। लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रेस करें बेल आइकन को, ताकि आपको लेटेस्ट रिव्यूज़ सबसे पहले मिल सकें। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।